गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज माई फिफ्थ लेक्चर दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सी दिस कंसेप्ट इज वेरी इजी कंसेप्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप लोग जब बोर्ड का एग्जाम लिखते हो आपने जैसे टेंथ बोर्ड का एग्जाम लिखा होगा है ना तो टेंथ बोर्ड का एग्जाम अगर आपने लिखा है तो आप सी बी एस ई है ना किस तरीके से आपको रोल नंबर अलॉट करती है और फिर उसके बाद किस तरीके से कॉपी करेक्शन होता है ठीक है उसकी प्रोसेस क्या है ये आप देखोगे तो आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आएगा फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट लिया सेट ए ठीक है सेट ए सेट ए में नेम ऑफ स्टूडेंट है ठीक है फिर हर स्टूडेंट के अगेंस्ट में कुछ रोल नंबर दिया जाएगा ठीक है वो हो गया सेट बी ठीक है फिर इसके बाद सीबीएसई एक काम और करती है वो जो आपको नहीं पता होगा पर वो काम क्या है ये हम आपको बता रहे हैं ठीक है सेट सी मान लो यहां पे एक स्टूडेंट एक्स है ठीक एक एक है एक स्टूडेंट एक्स है ठीक है वो स्टूडेंट को एक रोल नंबर प्रोवाइड किया हमने ठीक है तो हर एक स्टूडेंट के लिए एक रोल नंबर होगा कि नहीं तो ये एक फंक्शन रहेगा ठीक है वो फंक्शन क्या कर रहा है दिस फंक्शन प्रोवाइड रोल नंबर टू ईच स्टूडेंट सो देयर इज अ वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ए एंड सेट बी हर एक स्टूडेंट क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा तो ये फंक्शन एफ क्या कर रहा है इस एक्स को किसके साथ एसोसिएट कर दे रहा है एफ एक्स के साथ ठीक है तो ये एफएक्स क्या है ये एफएक्स इस स्टूडेंट का रोल नंबर है जब आप कॉपी लिख लेते हो और ये जो आंसर शीट है ये सीबीएसई के पास जाती है तो सीबीएसई क्या करती है कि आपका जो दिया हुआ रोल नंबर है आपने जो रोल नंबर जिस शीट पे लिखा ओ एम आर शीट पे वो ओ एम आर शीट को हटा देती है और आपके रोल नंबर के अगेंस्ट में सीबीएसई अपना एक रोल नंबर देती है ठीक है वो एक कोडेड नंबर रहता है और वो कहलाता है फिक्सीशियस रोल नंबर ठीक है तो ये एफेक्ट्स के अगेंस्ट में सी ने एक काम और किया हर रोल नंबर को एक फिक्सीशियस नंबर में कन्वर्ट किया ठीक है और उसके लिए उनने कौन सा फंक्शन अप्लाई किया इस एफेक्ट्स पे हर एक एफेक्ट्स पे एक फंक्शन जी अप्लाई किया वो क्या कर रहा है हर एफेक्ट्स को फिक्सिशिय रोल नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है तो अब जो नया रोल नंबर बन गया वो रोल नंबर बन गया हमारा जी ऑफ एफेक्ट जी ऑफ एफेक्ट्स मीन्स एफेक्स की जी इमेज ठीक है बाद में जब आंसर शीट चेक हो गई आंसर शीट चेक हो गई तो जो एग्जामिनर रहता है वो इस रोल नंबर के अगेंस्ट में मार्स की एंट्री करता है ठीक है अब सीबीएसई का काम क्या है इस रोल नंबर को किसके साथ अटैच कर देना स्टूडेंट के साथ अटैच कर देना ठीक है तो फिर वहां पे फिर से एक फंक्शन अप्लाई होता है वो फंक्शन का काम क्या रहता है वो हर एक एक्स को किसके साथ एसोसिएट कर देता है जी ऑफ एफ एक्स के साथ तो ये कहलाता है एफ और जी का कंपोजिशन फंक्शन ठीक है और ये फंक्शन का नाम है जी ओ एफ ठीक है कंपोजिशन ऑफ एफ एन जी कंपोजिशन ऑफ एफ एन जी बोलते हैं पर उसको लिखा जाता है जी ओ एफ ठीक है तो अब इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं क्या डेफिनेशन दे सकते हैं एफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स ठीक है एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी ठीक है देन जीओ एफ कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ F and G is denoted by G o F. ठीक है मैप्स फ्रॉम ए टू सी G ओ एफ का काम क्या है ए के एलिमेंट को सी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना सच दैट सच दैट एक्स की एफ इमेज क्या है एफ एक्स है और एफ एक्स की जी इमेज क्या है जी ऑफ एफ एक्स ठीक है such that, इसको ऐसा लिख देते सज दैट जी ओ एफ इमेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इमेज ऑफ एफ एक्ट जी ओ एफ इमेज ऑफ एक्स इक्वल टू जी इमेज ऑफ एफ एक्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यही फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे है ना, जी ओ एफ एक्स इज जी इमेज ऑफ एफ एक्ट ठीक है इसी को हम यूज करेंगे कंपोजिशन ऑफ फ़ंक्शन में, है टू फंक्शन एफ एन जी इज डिनोटेड बाय जी ओ एफ ओके वे आर जी ओ एफ इमेज ऑफ एक्स इज जी इमेज ऑफ एफ एक्ट ठीक है अच्छा एक बात और हमको ख्याल रखना है यहां एक्स किस में है ए के डोमेन में बाद में जो एफ एक्स मिलता है है ना एक्स किस में रहेगा ये जो एफ एक्स है वो फंक्शन एफ का क्या रहेगा रेंज रहेगा तो हमारा जो जी फंक्शन है वो जी फंक्शन एक्चुअल में रेंज ऑफ एफ से सी में फंक्शन है है ना तो इसलिए यहां पे ये जरूरी है कि रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ बी देन ऑनली यू कैन डिफाइन दिस फंक्शन जी ओके सो दिस इज इम्पॉर्टेंट तो ये समझ में आ गया जी ओ ये इसका फॉर्मूला है जी ओ एफ एक्स इज okay? हाँ, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ठीक है लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट टू थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव नाइन मीन्स यू कैन से दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी G is a function from 3, 4, 5, 9 to 7, 11, 15. Means this is set B, then this is set C. Okay. So you can say this is set A, this is set B, this is set B, and this is set C. So there are three sets. F is a function from A to B, G is a function from B to C. Okay. Now you have to find out GOF. तो ओ एफ मैप्स फ्रॉम ए टू सी रहता है है ना तो तुमको जीओ एफ निकालना है ठीक है तो जीओ एफ कैसे मिलेगा तो यहां पे हम क्या करते हैं जी एफ मैप्स फ्रॉम ए टू सी रहेगा ए टू सी ए कितना है जी एफ मैप्स फ्रॉम ए है टू थ्री फोर फाइव टू सी सी कितना है सेवन इलेवन और फिफ्टीन ठीक है तो हमको ये फंक्शन बनाना है फंक्शन बनाना है मतलब हमको इसको सेट के फॉर्म में लिखना है है ना ये एलिमेंट्स के फॉर्म में तो यहाँ पे हम देखते हैं जी ओ एफ इमेज ऑफ टू निकालना हमको जीओ एफ इमेज ऑफ टू जीओ एफ इमेज ऑफ थ्री फोर फाइव जीओ एफ इमेज सबकी निकालना है तो ओ एफ इमेज ऑफ टू फाइंड आउट करना है तो so, अब हमको मालूम था जी ओ एफ एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स एफ टू तो जी ऑफ एफ टू अब देखो एफ टू कितना है? है फोर तो जी ऑफ एफ टू सॉरी एफ टू है थ्री तो जी ऑफ थ्री हो जाएगा अब जी ऑफ थ्री कितना है देखो जी ऑफ थ्री जी ऑफ थ्री इक्वल टू जी ऑफ फोर इक्वल टू सेवन ठीक है तो जी ओ एफ टू कितना हो गया सेवन अब अब हम निकालेंगे ये टू के लिए मिल गया अब हम निकालेंगे जी ओ एफ थ्री तो हो जाएगा जी ऑफ एफ थ्री जी इमेज ऑफ एफ थ्री अब देखो एफ थ्री कितना है फोर तो जी इमेज ऑफ फोर अब देखो जी इमेज ऑफ फोर कितना है सेवन तो ये भी कितना हो गया सेवन फिर जी ये थ्री का मिल गया फिर हम निकालेंगे जी ओ एफ इमेज ऑफ फोर तो ये हो जाएगा जी ऑम इमेज ऑफ एफ फोर तो एफ फोर अब देखो एफ फोर कहाँ है ये है एफ फोर इक्वल टू एफ फाइव इक्वल टू फाइव तो यह हो जाएगा जी इमेज ऑफ फाइव अब जी इमेज ऑफ फाइव जी इमेज ऑफ फाइव कितना है इलेवन तो ये आ गया इलेवन ठीक है तो यहां पर देखो टू किसके साथ एसोसिएट हुआ सेवन के साथ टू हुआ सेवन के साथ किसके साथ एसोसिएट हो गया सेवन के साथ फोर किसके साथ हो रहा है इलेवन के साथ तो फोर की भी इमेज मिल गई हमको अब हमको निकालनी है जियो एफ इमेज ऑफ फाइव ये फाइव की निकालनी है तो फाइव की क्या हो गई जी इमेज ऑफ एफ फाइव और जी इमेज ऑफ एफ फाइव एफ फाइव कितना है फाइव तो जी इमेज ऑफ फाइव और जी इमेज ऑफ फाइव कितना है देखो जी इमेज ऑफ फाइव इलेवन है ना जी में जब फाइव इज इलेवन इलेवन ठीक है तो जीओ एफ फाइव इज जी इमेज ऑफ एफ फाइव एफ फाइव इज फाइव सो इट इज इलेवन ठीक है तो आप देखो अगर हम सेट के फॉर्म में इसको देखेंगे है ना तो यहाँ पे सेट के फॉर्म में अगर तुम देखोगे तो ये जो फंक्शन एफ था वो ए से बी में था है ना टू थ्री फोर और फाइव था सेट ए और ये कितना था ये था थ्री फोर फाइव और नाइन था फिर ये कितना था सेवन इलेवन और फिफ्टीन था ठीक है तो अभी देखो एफ कैसा था एफ टू इज थ्री एफ टू थ्री था एफ थ्री कितना था एफ थ्री फोर था फिर एफ फोर कितना था एफ फोर फाइव था और एफ फाइव कितना था एफ फाइव भी फाइव था तो फंक्शन एफ था फिर फंक्शन जी कैसा है जी मेज ऑफ थ्री सेवन जी मेज ऑफ फोर सेवन जी मेज ऑफ फाइव ठीक है देखो सेवन इलेवन फिफ्टीन है ना जी मेज ऑफ फाइव इलेवन और जी मेज ऑफ नाइन इज ऑल्सो इलेवन ठीक है ये ऐसा था फंक्शन जी और फिर हमने क्या किया हमने फाइंड आउट किया फंक्शन जी ओ एफ तो जी ओ एफ ने क्या किया टू को किसके साथ एसोसिएट किया सेवन के साथ है ना तुम इसको इससे हम आ, दूसरे पेन से कर देते हैं ना जी ओ एफ ये किसको कर रहा है जी ओ एफ टू को सेवन से कर रहा है फिर थ्री को किससे कर रहा है थ्री को भी सेवन से कर रहा है ठीक है और फोर को किससे कर रहा है फोर को इलेवन से कर रहा है और फाइव को इलेवन से कर रहा है ठीक है फाइव को किससे कर रहा है इलेवन से कर रहा है तो टू थ्री का सेवन हो रहा है फोर फाइव का इलेवन हो रहा है ना तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया मैनी मैनी वन हो गया यहाँ फिफ्टीन की कोई भी प्री इमेज नहीं है है ना अगर हम जीओ एफ का सेट बनाने जाएंगे है ना जी एफ टू थ्री फोर और फाइव और ये ले लिया अगर हमने सेवन इलेवन और फिफ्टीन तो टू और थ्री किससे एसोसिएट हो रहे हैं सेवन से टू और थ्री एसोसिएट हो रहे हैं सेवन से और फोर और फाइव किससे हो रहे हैं इलेवन से हो रहे हैं ठीक है, है. तो कौन सा फंक्शन है जीओ एफ तो जीओ एफ मैप्स फ्रॉम ए टू सी होता ठीक है।, है तो इस तरीके से ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को यूज करके हम आ वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे ये फॉर्मूला जीओ एफ का यूज करके हा देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का थर्ड क्वेश्चन है थर्ड का पार्ट टू है ना इफ एफ एक्स इज एट एक्स क्यूब जी एक्स इज एक्सरेस टू वन बाई थ्री यू टू फाइंड आउट जीओ एफ एक्स gof and fog, okay both you have to find out. so uh, f x equals to एट x क्यूब actual में f maps from R to R है ठीक है और g maps from R to R है तो जी ओ एफ मैप फ्रॉम R टू आर ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी ओ एफ इमेज ऑफ एक्स ये फाइंड आउट करेंगे वेयर एक्स इज एनी नंबर फ्रॉम द डोमेन ऑफ जी ओ एफ ओके तो जी ओ एफ इमेज ऑफ एक्स क्या होगा जी इमेज ऑफ एफेक्ट ठीक है ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था जी ओ एफ एक्स इज जी इमेज ऑफ एफेक्ट्स है ना? तो ये हम लोगों ने देखो यहाँ पे हमने बताया था जी ओ एफ इमेज ऑफ एक्स इज जी इमेज ऑफ एक्स, जी ओ एफ इमेज ऑफ एक्स इज जी इमेज ऑफ एफ एक्ट ठीक है तो जी ओ एफ इमेज ऑफ एक्स इज जी इमेज ऑफ एक्स, सो इट विल बी जी इमेज ऑफ एक्स, एफ एक्ट कितना है देखो एफ एक्स है एट एक्स क्यूब सो इट विल बी जी इमेज ऑफ एट एक्स क्यूब ओके ना जी इमेज ऑफ एक्स एक्सेज टू वन बाई थ्री जी इमेज ऑफ एक्स एक्सेज टू वन बाय थ्री So, in place of x, you had to put 8x cube. In place of x, you had to put 8x cube because you had to find out g image of 8x cube. Okay. So, in place of x, you have to put 8x cube. So, it will be 8x cube power 1 by 3 raised to 1 by 3. Okay. 8x cube raised to 1 by 3. So, it will be 8 raised to 1 by 3 multiplied by एक्स क्यूब रेस टू वन बाय थ्री सो इट विल बी एट रेस टू वन बाय थ्री मीन्स टू एक्स ओके सो जी ओ एफ एक्स इज टू एक्स वी आर गेटिंग जी ओ एफ एक्स टू एक्स ये मिल गया हमको ठीक है अभी हमको निकालना है एफ ओ जी एफ ओ जी एक्स तो एफ ओ जी एक्स क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स ठीक है एफ ऑफ जी एक्स तो ये हो जाएगा एफ इमेज ऑफ जी एक्स जी एक्स कितना है एक्स रेस टू वन बाय थ्री एक्स रेस टू वन बाय थ्री ये जी एक्स है ठीक है तो एफ इमेज ऑफ एक्स रेस टू वन बाय थ्री अब देखो एफ इमेज ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है एट एक्स क्यूब तो एफ इमेज ऑफ एक्स रेस टू वन बाय थ्री सो इन प्लेस ऑफ एक्स यू हैन बाई थ्री okay so it will be 8 in place of x you are writing x raised to 1 by 3 and whole power 3 8x cube 8x raised to 1 by 3 cube so it will become 8x so now you can see fogx equals to 8x okay now you can see fog and gof

ट्वेंटी टू ठीक है इस एग्जाम्पल के साथ में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जोड़ा हुआ है देखो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम वन टू थ्री टू ए बी सी दो सेट है एक सेट है जिसमें क्या है एक सेट है जिसमें वन टू थ्री है वन टू थ्री और दूसरा सेट है जिसमें हमारे पास क्या है ए बी और सी है ए बी और सी है ठीक है और इसको हमने सेट एक्स बोला है और इसको हमने सेट वाई बोला है ठीक है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट वन टू थ्री टू ए बी सी ठीक है एंड दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है वन वन का मतलब क्या होता है जो करस्पॉन्डेंस रहेगी ये वन वन करस्पॉन्डेंस रहेगी मैनी वन नहीं रहेगी ठीक है वन वन रहेगी ऑन टू का मतलब सेट वाई का कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं हर एक एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज रहेगी ठीक है अब किस तरीके से है वन किससे एसोसिएट हो रहा है वन एसोसिएट हो रहा है ए के साथ टू एसोसिएट हो रहा है बी के साथ ठीक है और थ्री एसोसिएट हो रहा है सी के साथ ये है फंक्शन एफ ठीक है बहुत सिंपल सा फंक्शन है वन वन कास्पॉन्डेंस है और ऑन टू भी है क्योंकि वाई का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है ठीक है अब हमको ये बताना है दैट यू कैन फाइंड आउट यू कैन फाइंड आउट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी मैप्स फ्रॉम वाई टू एक्स यानी हम वाई से एक्स में एक फंक्शन जी ऐसा बना सकते हैं जो कि क्या करे जी ओ एफ जी और एफ का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी फंक्शन रहे एक्स पे ठीक है और एफ ओ जी का जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स मतलब जी ओ एफ का जो डोमेन है वो रहेगा एक्स और आइडेंटिटी फंक्शन का, का काम क्या रहता है आइडेंटिटी फंक्शन का काम रहता है हर एक एलिमेंट को उसी के साथ एसोसिएट करना है ना जैसे आई एक्स इक्व एक्स कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है आई एक्स इक्वल टू एक्स मतलब या एफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है ठीक है और एफ एक्स को हम फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना आइडेंटिटी फंक्शन को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि हम एक फंक्शन जी ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जो कहा से हो जो ए बी सी से है ना ऐसा फंक्शन जी बनाओ जो इधर y से वाई से एक्स पे हो ए बी सी से किस पे हो वन टू थ्री पे हो और इस तरीके का हो कि एफ और जी का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन रहे और जी और एफ का कंपोजिशन भी आइडेंटिटी फंक्शन रहे ठीक है तो हम एक फंक्शन बनाते हैं देखो हम क्या करते हैं कि अगर एफ इमेज ऑफ वन किसके इक्वल है ए के इक्वल है तो हम एक फंक्शन जी ऐसा बनाते हैं कि जी इमेज ऑफ ए किसके इक्वल हो जाए वन के इक्वल एफ इमेज ऑफ टू किसके इक्वल है बी के इक्वल है तो हम बोलेंगे जी इमेज ऑफ बी किसके इक्वल है टू के इक्वल यानी वन ए से एसोसिएट हो रहा है तो हम एक फंक्शन जी ऐसा बनाएंगे जो ए को किससे वापस वापिस वन से एसोसिएट कर दे ठीक है तो वो एक्चुअल में जो जी रहेगा ना वो एफ का क्या कहलाता है इनवर्स कहलाता है पर अभी हम इनवर्स वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं ठीक है अभी हम क्या कर रहे हैं हम एक फंक्शन जी डिफाइन कर रहे हैं और एफ इमेज ऑफ थ्री किसके इक्वल है सी के इक्वल है एफ इमेज ऑफ थ्री सी के इक्वल है तो जी इमेज ऑफ सी किसके इक्वल है थ्री के इक्वल ठीक है थीके? तो ए किससे एसोसिएट हो रहा है वन से बी एसोसिएट हो रहा है टू से और सी एसोसिएट हो रहा है थ्री से और यहाँ पे फंक्शन जी ठीक है थीके? तो हमारा कहना यह है कि हम अगर ऐसा फंक्शन जी डिफाइन करेंगे तो जी ओ एफ किसके इक्वल रहेगा आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल तो अब हम चेक करते हैं देखो जी ओ एफ मैप्स फ्रॉम देखो जी ओ एफ का जो डोमेन रहता है वो एफ के डोमेन के इक्वल रहता है ना तो एफ का डोमेन क्या है एक्स तो ये एक्स से वाई में रहेगा है ना जीओ एफ मैप्स फ्रॉम एक्स टू वाई ये ख्याल रखना जी ओ एफ कहा खत्म हुआ एफ पे तो जीओ एफ का जो डोमेन है वो एफ के डोमेन के इक्वल है ठीक है जीओ एफ मैप्स फ्रॉम एक्स टू आए तो यहां पे जी एफ इमेज ऑफ एक्स के एलिमेंट क्या है एक्स के एलिमेंट है वन और जियो एफ इमेज ऑफ टू और जियो एफ इमेज ऑफ थ्री ये हमको निकालना है ठीक है और हमको ये बताना है कि वन टू थ्री खुद वन टू थ्री के साथ ही एसोसिएट हो जाएंगे मतलब जियो एफ कैसा फंक्शन रहेगा आइडेंटिटी फंक्शन रहेगा तो देखो जियो एफ वन इज जी इमेज ऑफ एफ वन ठीक है अब एफ वन कितना है ए है तो जी इमेज ऑफ एफ वन क्या हो गया जी इमेज ऑफ ए और जी इमेज ऑफ ए कितना है वन है तो देखो जी ओ एफ वन इक्व टू वन ठीक है अब देखो जीओ एफ टू तो जी इमेज ऑफ एफ टू तो ये हो गया जी इमेज ऑफ एफ टू एफ टू कितना है बी तो जी इमेज ऑफ बी और जी इमेज ऑफ बी कितना है टू तो देखो टू तो जीओ एफ टू इक्वस टू टू देखो आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है ना वन वन से एसोसिएट हो रहा है टू टू से एसोसिएट हो रहा है अब देखो थ्री किससे हो रहा है जी इमेज ऑफ एफ थ्री तो हो गया जी इमेज ऑफ सी और ये हो गया थ्री तो देखो वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री के साथ एसोसिएट हो गया तो जीओ एफ कैसा फंक्शन हो गया जी ओ एफ इज आइडेंटि फंक्शन ऑन सेट एक्स किस पे है आइडेंटिटी फंक्शन एक्स के एलिमेंट को उन्हीं के साथ एसोसिएट कर रहा है तो जीओ एफ हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स अब हम देखेंगे एफ ओ जी के बारे में ठीक है एफओ तो जी क्या होना चाहिए एफओ जी होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y ठीक है तो एफओजी के बारे में देखते हैं हम कहां पे देखें यहां पे देखते हैं ठीक है एफओ जी नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो यहां पे यहां देखते हैं है ना एफओ जी एफ ओ जी मैप्स फ्रॉम एफ ओ जी मैप्स फ्रॉम जी का डोमेन है ना जी का डोमेन क्या है जी का डोमेन है वाई ठीक है तो जी एफ ओ जी मैप फ्रॉम वाई टू एक्स ठीक है तो एफ ओ जी मैप फ्रॉम वाई टू एक्स तो वाई टू एक्स करेंगे मतलब एफ ओ जी मैप फ्रॉम वाई कौन से सा सेट है ए बी सी और एक्स कौन से सा सेट है एक्स हमारे पास वन टू थ्री अब देखो एफ ओ जी एफओजी मैप फ्रॉम नहीं इसमें एक 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 मिस्टेक है बेटा है ये मिस्टेक का कर, कर, जीओ एफ मैप फ्रॉम एक्स टू एक्स होगा है एक्स टू वाई नहीं होगा एक्स टू एक्स देखो एक्स के एलिमेंट को एक्स के ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा ना? F y, X, तो -F X X. है F y, ना एफ मैप्स फ्रॉम एक्स टू वाई जी मैप्स फ्रॉम वाई टू एक्स तो जियो एफ मैप्स फ्रॉम एक्स टू एक्स ऐसा जी मैप्स फ्रॉम वाई टू एक्स तो o एफ मैप्स फ्रॉम हम बोलते थे ना ए टू बी बी टू सी तो हम क्या करते थे ए टू सी करते थे तो एक्स टू एक्स रहता है ठीक है एफ ये करेक्शन कर लेना वाई की जगह क्या रहेगा एक्स रहेगा ऐसे ही एफ ओ जी मैप फ्रॉम क्या रहेगा वाई टू वाई रहेगा ठीक है वाई टू वाई मतलब ए बी सी से ए बी और सी में ही आएगा ये इसका आंसर किस में आएगा ए बी सी से ए बी सी में आएगा ऐसा क्यों रहेगा क्योंकि जी मैप्स फ्रॉम जी मैप्स फॉर्म क्या है वाई टू एक्स है और एफ मैप्स फॉर्म एक्स टू वाई है तो जब हम एफ ओ जी बोलेंगे ना रिवर्स ऑर्डर में रहता है एफ ओ जी मैप फ्रॉम देखो ए टू बी बी टू सी तो हम ए टू सी बोलते हैं ना तो वाई टू वाई हो जाता है ठीक है ऐसा रहता है तो एफ ओ जी मैप्स फ्राम वाई टू वाई तो एफ ओ जी मैप्स फॉर्म ए बी सी टू ए बी सी आएगा अब देखो एफ ओ जी इमेज ऑफ ए निकालना हमको एफ ओ जी इमेज ऑफ ए तो ये होगा एफ ऑफ एफ ओ जी ए इज एफ ऑफ जी ए ठीक है एफ ऑफ जी ए जी ए कितना है वन तो ये हो गया एफ ऑफ वन और एफ ऑफ वन कितना है एफ ऑफ वन है ए तो ये कितना हो गया ए फिर हम देखेंगे एफ ओ जी ऑफ बी तो होगा एफ ऑफ जी बी ठीक है तो हो गया एफ ऑफ जी बी ठीक है तो जी इमेज ऑफ बी कितना है टू तो ये हो गया एफ इमेज ऑफ टू एफ इमेज ऑफ टू कितना है बी तो ये हो गया बी अब देखो एफ ओ जी इमेज ऑफ सी एफ ओ जी इमेज ऑफ सी इक्वल्स टू एफ इमेज ऑफ जी सी तो एफ इमेज ऑफ जी सी जी सी कितना है थ्री और एफ इमेज ऑफ थ्री कितना है सी तो अभी देखो एफ ओ जी ए को ए से एसोसिएट कर रहा है बी को बी से कर रहा है सी को सी से कर रहा है ठीक है तो इससे क्या हो गया एफ ओ जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई ठीक है तो अभी देखो यहां पे अगर तुम ध्यान दोगे तो हमको एक इन्वर्स की डेफिनेशन मिल रही है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है ना इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन कैसे मिल रही है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एफ इज वन वन ऑन टू देशन जी मैप फ्रॉम वाई टू एक्स दैट जी इमेज ऑफ जी इमेज ऑफ वाईस टू जी इमेज ऑफ वाईस टू एक्स इफ एफ इमेज ऑफ एक्स इक्वस टू वाई ठीक है अभी ये देखो हम इसको डिफाइन करते हैं ठीक है तो ये इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन आएगी और इनवर्स दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम एफ और जी की तरफ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं ठीक है और वन वन ऑन टू से भी तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि एफ कैसा होना चाहिए वन वन और ऑन टू होना चाहिए ठीक है तो अब अगर एफ वन वन और ऑन टू रहेगा ओके इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू देन वी कैन फाइंड आउट अ फंक्शन g मैप फ्रॉम y टू x विच इज ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन ओके नेक्स्ट डेफिनीशन इज इन्वर्टिबल फंक्शन ओके अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उसी के बेसिस पे इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनीशन रहेगी ठीक है तो इन्वर्टिबल फंक्शन अ फंक्शन अ फंक्शन एफ मैप एक्स टू वाई इज Invertible if there exists a function G maps, G maps Y to X, Y to X such that G O F is identity function on domain of f and f o g is identity function on domain of g okay. so a function f maps x into x to y is invertible if there exists a function g maps from y to x such that f g o f is i x and f o g is i y okay then g is said to be

दस एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है एंड एफ इनवर्स ओ एफ इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है एफ इनवर्स एफ ओ एफ इनवर्स इज आइडेंटिटी फंक्शन एंड एफ इनवर्स ओ एफ इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है तो यहाँ पे आ, ये इसकी डेफिनीशन है, है ना तो डेफिनीशन हो गई इन्वर्टिबल फंक्शन एक ये इसकी ये हम कह सकते हैं इसकी फर्स्ट डेफिनेशन अ फंक्शन एफ मैप्स एक्स टू वाई इज इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी मैप्स फ्रॉम वाई टू एक्स सैट दैट ओ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ एफ एफ ओ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ जी देन जी सेट टू बी इनवर्स ऑफ एफ डिनोटेड बाय जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स ओके अब इसकी सेकेंड डेफिनेशन ऐसी भी बोलते हैं हम एफ a function a function the hansi a function f maps x to y is invertible if f is 1 1 and ऑन टू इन्वर्टेबल होने के लिए अब क्या जरूरी हो गया अफंक्शन एफ मैप्स एक्स टू वाई इज इन्वर्टेबल इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू ठीक है एफ है वन 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 अगर तो इन्वर्टेबल है देन देर एग्जिस्ट जी मैप्स फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट such that g image of y g image of y equals to x if f image of x g image of y equals to x if f image of x equals to y okay then then we write

इफ एफ इमेज ऑफ एक्स इक्वल टू आई जैसे हमने बोला था एफ इमेज ऑफ वन ए है तो जी इमेज ऑफ ए वापस क्या हो जाएगा वन के इक्वल तब हम बोलेंगे जी इज एफ इनवर्स ठीक है तो जी इज एफ इनवर्स तो ये इनवर्स की डेफिनेशन हो गई और फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा उसके लिए हमको उसको वन वन और ऑन टू बताना पड़ेगा ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट f is a function from set n to set y, n means set of natural number, f is a function from set n to set y and fx equals to 4x plus 3, fx equals to 4x plus 3, where what is y? y is the set of those y belongs to n, those natural numbers such that y equals to 4x plus 3, where x belongs to n. It means y jo hai wo जितने भी फोर एक्स प्लस थ्री है उनका सेट है इसका मतलब हम बोल सकते हैं वाय जो है फंक्शन एफ का क्या है रेंज है ठीक है फंक्शन एफ का वाय क्या है रेंज है रेंज है अगर वाय कभी भी कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है तो फंक्शन कैसा होता है ऑन टू होता है मतलब ये फंक्शन ऑन टू तो है ठीक है हमको ये देखना है वन वन है क्या ठीक है अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों रहेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल हो जाएगा ठीक है और इन्वर्टिबल होगा तब फिर हम एफ इनवर्स निकाल लेंगे ठीक है तो फर्स्ट मेथड क्या रहेगी हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन वन वन ऑन टू है क्या ठीक है तो पहले हम क्या चेक करते हैं वन वन तो वन वन चेक करने का तरीका क्या था याद करो हमने पहले भी किया था वन वन चेक करने का तरीका यह था कि इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू इससे हम शुरू करेंगे एफ एक्स वन क्या है फोर एक्स वन प्लस थ्रीवस टू फोर एक्स टू प्लस थ्री ठीक है इससे हमको देखो थ्री कैंसिल हो गया हमको मिल गया टू फोर एक्स टू फिर फोर भी कैंसिल हो गया एक्स वन इक्वस टू एक्स टू सो वी हैव स्टार्टेड विथ एफ एक्स वन इक्व टू एफ एक्स टू वट वी आर गेटिंग एक्स वन इक्व टू एक्स टू दिस एम्प्लाइज एफ इज वन वन ठीक है, फिर हमको देखना है ऑन टू ऑन टू तो ऑन टू देखने का तरीका क्या रहता है ऑन टू देखने का तरीका क्या रहता है एफ मैप्स फ्रॉम एन टू वाई है ठीक है और y क्या है y इक्वल्स टू रेंज ऑफ f है ये गिवन है सिंस y इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ दिस एम्प्लाइज एफ इज ऑन टू तो ये ऑन टू हो गया अब किसी में यह दिया नहीं रहता है मान लो कि वाई इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है तब हम उसको ऑन टू कैसे बताते हैं तब ऑन टू बताने का तरीका रहता है यहां पर हम एक वाई लेंगे है ना एफ मेफ फॉर्म एन टू वाई है न हम क्या लेंगे यहां पर लेट वाय बिलोंग्स टू कैपिटल वाय हमने क्या लिया लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल y कौन सा वाला कैपिटल डोमेन का ठीक है हमने मान लो यहां पे एक y ले लिया हमने है ना इस y की प्रीमेज हमको कहां खोजनी है यहां पे खोजनी है. कि इस y के लिए यहां x है क्या तो हमने क्या लिया लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल y ठीक है एंड मान लो हमने बोला कि ऐसा कोई x है तो क्या होगा एफ एक्स इक्व टू वाई लेट एस सपोज एफ एक्स इक्व टू वायन फोर एक्स प्लस थ्री इक्व टू वाई सो वट यू विल गेट एक्स इक्व टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर वाई माइनस थ्री अपॉन फोर तो अब ये जो x है ये x हमको क्या मिल गया Y माइनस थ्री अपॉन फोर ठीक है सच दैट इस एक्स की जो एफ इमेज है एफ इमेज ऑफ वाई माइनस थ्री अपऑन फोर अगर तुम निकालने जाओगे तो क्या आता है एफ इमेज ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है फोर एक्स प्लस थ्री तो एक्स की जगह हमको क्या रख देना वाई माइनस थ्री बाय फोर तो फोर वाई माइनस थ्री बाय फोर और प्लस थ्री है ना यही है ना फंक्शन ओके okay. तो यहां से क्या हो गया एफ इमेज ऑफ वाई माइनस थ्री बाय फोर यू आर गेटिंग यू आर गेटिंग वाई एफ इमेज ऑफ वाई माइनस थ्री बाय फोर इक्व क्या हो गया कि इस y के लिए हमको प्री इमेज क्या मिल गई y माइनस थ्री बाय फोर मिल गई और y माइनस थ्री बाय फोर की जो इमेज है वो y है तो फंक्शन क्या हो गया एफ इज ऑन टू एफ इज ऑन टू बिकॉज फॉर ईच y there exists some x in set n so f is on 2 so this implies what you will get this implies f is 1 1 and on 2 okay this implies f is 1 1 and on 2 okay f is 1 1 and on 2 this implies f is इन्वर्टिबल एफ is इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स ऑफ वाई अभी हमने निकाला एफ इनवर्स ऑफ वाई किसके इक्वल है वाई माइनस थ्री बाय फोर और यही तुमको निकालना है एफ इनवर्स ऑफ वाई कितना होगा तो कितना होगा वाई माइनस थ्री बाय फोर होगा ठीक है तो ये इसकी मेथड रहेगी ये फर्स्ट मेथड हो गई ओके तो अब इसकी सेकेंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने की सेकेंड मेथड है ना सेकेंड हैं तो ये जो फर्स्ट डेफिनेशन ये वाली जो डेफिनेशन थी ना ये डेफिनेशन अ फंक्शन एफ मैप्स एक्स टू वाई इज इन्वर्टेबल इफ एफ इज वन वन एंड नॉन टू देन देयर एक्सिस्ट जी मैप्स टू एक्स देन वी राइट इक्वल्स टू इनवर्स इस डेफिनेशन से हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया अब हम ये वाली डेफिनेशन लेंगे है ना हम सीधे जी पे आएंगे हम वन वन प्रूव नहीं करेंगे ठीक है सीधे जी पे आएंगे और बताएंगे जीओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन और ओ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन तब हम जी को एफ इनवर्स कहेंगे ठीक है तो अभी यहां पे हम देखते हैं यहां पे सेकेंड मेथड एफ मैप्स फ्रॉम एन टू वाई है एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है फोर एक्स प्लस थ्री है और y किसके इक्वल है सेट ऑफ वाई टू फोर एक्स प्लस टू n ये हमारा फंक्शन है ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं एक फंक्शन g डिफाइन करेंगे है ना ऐसा g हमको खोजना है जो y से n में हो ठीक है तो वो g हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका एक तरीका है हम क्या करते हैं लेट Y belongs to capital Y, okay. And fx equals to y, 4x plus 3 equals to y, x equals to y minus 3 by 4, okay. Now we define g maps from y to n such that सज दैट जी इमेज ऑफ वायवल्स टू वाई माइनस थ्री बाय फोर ठीक है हमने ऐसा डिफाइन कर दिया ओके हमने एक्स को क्या लिया था ये जो एक्स था ये किससे एसोसिएट हुआ यहां पे ये किसी वाई से हुआ है ना? और ये ये फंक्शन एफ है ये वाई है तो ये वाई को वापस हम x से एसोसिएट करेंगे तो ये फंक्शन g होगा है ना तो g क्या कर रहा है y को किससे एसोसिएट कर रहा है वाई माइनस थ्री बाय फोर से एसोसिएट कर रहा है ठीक है तो अभी हम देखेंगे कि ये आ, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कौन सी कंडीशन जी ओ एफ इमेज ऑफ एफ का डोमेन क्या है एन तो जी ओ एफ इमेज ऑफ एक्स क्या होगा जी ओ एफ इमेज ऑफ एक्स जी इमेज ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स कितना है फोर एक्स प्लस थ्री जी इमेज ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री अब जी इमेज ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री तो वाई की जगह क्या रख दोगे वाई की जगह फोर एक्स प्लस थ्री तो फोर एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री अपॉन फोर फोर एक्स अपॉन फोर कितना आ गया एक्स तो जियो एफ एक्स इक्व टू एक्स तो जियो एफ क्या हो गया दस जी ओ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ एफ domain इज डोमेन ऑफ एफ एन ठीक है अब हम निकालेंगे एफ ओ जी इमेज ऑफ एक्स एफ ओ जी इमेज ऑफ एक्स क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स तो ये हो गया एफ इमेज ऑफ जी एक्स जी वाई इतना है तो जी एक्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस थ्री अपॉन इमेज ऑफ एक्स एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर अब हम निकालेंगे एफ इमेज ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर तो एफ इमेज ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है फोर एक्स प्लस थ्री तो एक्स की जगह क्या रख दें हम एक्स माइनस थ्री बाय फोर ये हो जाएगा फोर टाइम्स एक्स माइनस थ्री बाय फोर और प्लस थ्री तो ये फोर और ये फोर कैंसिल तो कितना आ गया एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स तो अभी हमको क्या मिला एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स तो आइडेंटी फंक्शन हो गया किस पे आइडेंटिटी फंक्शन हुआ जी के डोमेन पे जी का डोमेन क्या है वाई तो एफ ओ तो हमको दो बातें मिल गई एक ये मिला और एक ये मिला तो इससे क्या हो गया इट मींस जी इज सेट टू बी द इनवर्स ऑफ एफ ठीक है तो यहां से हम क्या ले लेंगे यहां हम ले लेंगे Since GOF is identity function on N and FOG is identity function on Y thicke? thus G is inverse of F thicke? with जी इमेज ऑफ वायक्वस टू y माइनस थ्री बाय फोर या हम ऐसा भी बोल सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्व टू एक्स माइनस थ्री बाय जी की जगह हमने क्या रख दिया g की जगह f इनवर्स तो नाम रख दिया y की जगह x लिख दिया ठीक है तो ये एक फंक्शन मिल गया तो ये इनवर्स बताने के दो तरीके हैं एक तरीका है वन वन ऑन टू करके बताना और दूसरा तरीका है आइडेंटि फंक्शन करके बताना है ठीक है तो दोनों मेथड से आपको आना चाहिए आज एग्जाम्पल्स पूरे सॉल्व करना है ठीक है जितने क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के सॉल्व करने की कोशिश करना नहीं तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे ठीक है तो इसको नोट कर लोगे आ, देखो पूरा दिख रहा है तो इसको नोट कर लेना ठीक है ओके थैंक यू